हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ा सा काम में बिजी था और अभी मैं जो है टाइम नहीं लग रहा है, तो अभी मैं ड्राइव कर रहा था थोड़ा सा। तो मेरे एक चीज़ है ना, कई दिनों से दिमाग में आ रही थी, हो सकता है सबका अलग अलग पॉइंट हो। एक वीडियो बना रहा हूँ ऐसे कि उसमें दो तीन पॉइंट्स हमारे कवर हो जाए। तो सबसे बड़ी बात गाड़ी की जो जैसे प्री लॉन्चिंग वगैरह होती है ना, उसके ऊपर कि गाड़ी भाई दूर से हमें गाड़ी दिखा दी जाती है और उसके ऊपर जो है हम बुकिंग करवा लेते हैं। दूसरी चीज़ गाड़ी की ओवर हाइप, जो मुझे लगती है कि ज़बरदस्ती कुछ गाड़ियों पे बनाई जाती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरी चीज़ है गाड़ी की वेटिंग पीरियड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है वेटिंग पीरियड ज़बरदस्ती बनाया जाता है जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। चौथी बात है जो हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूबर्स के बेस पे जो है गाड़ी न ले, यूट्यूबर्स जो नई गाड़ियों की स्पेशली जो वीडियो बनाते हैं उनके बेस पे गाड़ी न ले और जब भी कोई नई गाड़ी आए तो उसको कुछ टाइम बाद में अपना जो है परचेज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी की प्री लॉन्च के बारे में। देखो होता क्या था, जब अपनी कोविड से पहले क्या होता था, गाड़ी लॉन्च होती थी, शोरूम में आती थी, शोरूम में बढ़िया तरीके से हम गाड़ी को चलाते थे, देखते थे और उसके बाद में ही हम जो है बुकिंग करवाते थे। अब क्या हो रहा है, गाड़ी भाई आपको एक शोरूम में दूरी दिखा दी जाती है, बोला ये गाड़ी का डिज़ाइन है, ये कुछ इस हिसाब से आपको जो स्ट्रक्चर वगैरह गाड़ी का देखने को मिलेगा और ये फीचर्स है। ना कोई ड्राइव करने दे रहे हैं, ना कुछ और करने देते, प्री लॉन्च होती है अब गाड़ियाँ, ठीक है। और प्री लॉन्च में कुछ यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, कुछ उनको पेमेंट करते हैं, देखो उनका वो काम ही है, उनको पेमेंट करते हैं और उनसे वीडियो वगैरह बनाते हैं, रिव्यू वगैरह करवाते हैं, ठीक है। उन्होंने करवा लिया, उन्होंने अपना जो है बढ़िया दे दिया, बोला हाँ भाई बढ़िया अपनी गाड़ी चल रही है और हम जो है वो गाड़ी बुक करवा लेते हैं। तो वो हमारी तरफ से तो एक्चुअल में वो गाड़ी हमने फील ही नहीं करी चला के कि गाड़ी चलती कैसे है, और हम जो है किसी यूट्यूबर के कहने पर प्री लॉन्च गाड़ी जो है हम बुक करवा लेते हैं और उसी के बेस पे क्या होता है, जितनी हम बुक करवाते हैं ना कि भाई 1000 गाड़ी बुक होगी, 2000 गाड़ी बुक होगी, 3000 गाड़ी बुक होगी, उसी के बेस पे फिर क्या होता है, जब तक प्राइस भी डिसाइड नहीं होता है प्री लॉन्च में, तो जितनी गाड़ियाँ बुक होती है देख देख के हम भी बुक करवा लेते हैं और उसके बेस पे कंपनी क्या होती है अपना जो है प्राइस डिसाइड करती है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि एक तो हमने ज़बरदस्ती बिना किसी देखे गाड़ी बुक कर ली, रियल प्रैक्टिकल किए हुए कि क्या गाड़ी में कमी है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, तो वेटिंग पीरियड ज़्यादा आ गई, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया गाड़ी को और उससे वेटिंग पीरियड बढ़ जाती है कि इतनी गाड़ियाँ होगी। दूसरा, उस गाड़ी का ओवर हाइप बढ़ा दिया जाता है कि इतनी जो है ये गाड़ी बुक हो गई है, ये हो गई है और अब तो है इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। तो जब वेटिंग पीरियड हाई हो जाता है तो फिर जो है कंपनियाँ अपना एसेसरीज उस पर लगाती है, जब लॉन्च होती है तब एसेसरीज वगैरह लगाती है और दूसरा और एसेसरीज के नाम पे उसको जो है बेचती है। दूसरा उसका जो है प्राइस है वो कंपनी जितनी मतलब बुकिंग चली जाती है उसके बेस पे कंपनी जो है बोलती है भाई मेरी गाड़ी की तो काफ़ी डिमांड है और उसके बेस पे उसका जो है प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रख लिया जाता है। जैसे कि ये केस मैं रिसेंटली बताऊँ, जैसे अपने जिमनी के साथ यही केस हुआ था। मेरे को तो हालांकि फर्स्ट डे से वो पसंद नहीं थी, डब्बा से लगती है, बट कोई भी नई गाड़ी आती है, जैसे जिमनी के साथ हुआ, पहले कितनी बुकिंग हो गई थी ऑटो एक्सपो में जब दिखाया गया था और सब लोग यूट्यूबर बुक कर रहे हैं और कर रहे हैं, फिर जब यूट्यूबर्स को बुलाया गया रिव्यू के लिए, यूट्यूबर ने उनका वीडियो बनाया, हालांकि उस वीडियो में सबने यही बोला कि गाड़ी में इतना दम नहीं है और प्राइस ज़्यादा है। कुछ लोगों को समझ में आई थी बात, कुछ को नहीं आई थी। उसका प्राइस जो है सबने यही बोला था कि ओवर प्राइस है, तो उसको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगी, लोग धड़ाधड़ हुए, जिमनी आ गई, लोग शोरूम पे बुक करवाने दौड़े चले गए और वेटिंग पीरियड इतनी ज़्यादा होगी, कंपनी जो है प्राइस बढ़ाने लग गई और उसके बाद में जो ले रहे थे उसको ज़बरदस्ती जो है एसेसरीज जो है चिपका रहे थे 1-1.5 लाख की, ये तुम ये एडिशन ले लो, ये बना लो, ये कॉम्बो ले लो, ये ऊपर के रूफ पे ये डिज़ाइन बना लो, ऐसे करके और काफ़ी जो है एसेसरीज बेची थी। ऐसा होता है सारी गाड़ियों के साथ जो प्री लॉन्च होती है या जिनकी हाइप जो है बना दी जाती है इस हिसाब से। तो गाड़ी जब है ना प्री लॉन्च नहीं होने की बजाय आराम से गाड़ी शोरूम पे आनी चाहिए, शोरूम पे आप गाड़ी को देखो, उसके बाद में ही हमेशा गाड़ी जो है लेनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है इसके अंदर कि जब भी कोई गाड़ी आए ना उसको इंस्टेंटली कभी भी मत दो। उसके मैं फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ दोनों क्या होता है। फ़ायदा उसका ये है कि आपको 2-3 महीने ये लगेगा कि भाई इस बंदे के पास नई गाड़ी है और ये मार्केट में अभी है नहीं, 2-3 महीने ज़्यादा नहीं है। और या फिर उसका फ़ायदा जो है यूट्यूबर्स को होता है, जो यूट्यूबर जो है उसका रिव्यू बनाते हैं, नई गाड़ी लेके आते हैं अपने पास खरीद के और उसका रिव्यू बनाते हैं, भाई हमने पहाड़ों पर चढ़ा दी, जैसे थार है
भाई चढ़ा दी हमने 4x4 ऑफ रोडिंग कर ली बढ़िया गाड़ी। अब जो रियल प्रैक्टिकल है, जैसे आप मैं चल रहा हूँ या फिर मेरे आसपास आप देख रहे हो गाड़ी, इनको कोई मतलब नहीं है पहाड़ों पे चलाने से। भाई हमें रोड पे चलना है, रियल लाइफ में जो यूज होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो अब थार 5 डोर आ रही है तो वो भी देख लेना, यही कहानी होने वाली है। तो उसके बेस पर लोगों को हाइप बना दिया जाता है। तो थार भी हालांकि रियल प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, लोगों को ऐसे ही लगता होगा या हो सकता है कि मेरे विरोध में जाए कि हाँ भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, बट थार रियलिटी में मेरे लिए, मैं थार को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल कार नहीं है 18-19 लाख में। एक जीप है, ठीक है, और वो भी प्रॉपर तरीके से जीप नहीं है। अगर जीप ढंग से हो, चारों साइड से ओपन हो तो वो अलग बात है, बट वो एक तरह से जीप काइंड ऑफ है। तो थार भी ऐसी गाड़ी नहीं है, और लोग हाइप बना देते हैं उसकी भी मेरे को कि पहाड़ों पे चढ़ गई ये तो ऐसे ऑफ रोडिंग हो गई। भाई रियल लोगों को ऑफ रोडिंग, जो रियल में जो ड्राइविंग वगैरह डेली यूज़ करते हैं, उनको ऑफ रोडिंग से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये होता है गाड़ी सही चलनी चाहिए, सही सलामत चलनी चाहिए, बजट में होनी चाहिए, अच्छी माइलेज देनी चाहिए या फिर अच्छी जो है रेंज देनी चाहिए, इस टाइप से उनको गाड़ी चाहिए होती है। ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत रेयरली यूज होती है। तो इस टाइप से जो है नई गाड़ी की एक जो है फ़ायदा जो है यूट्यूबर को सबसे ज़्यादा होता है। और नुकसान क्या क्या है, नई गाड़ी आती है एक तो हमेशा उस पर कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। आप जो है नई गाड़ी पे देखना, कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, नई गाड़ी है। प्लस उसके ऊपर क्या होता है, नई गाड़ी जैसे आती है तो शोरूम वाले उस पर एसेसरीज अपनी जो है काफ़ी चिपका देते हैं कि सर आपको तो ये एसेसरीज लेनी पड़ेगी। और होता क्या है, सिर्फ 4-5 महीने ये दिखने के लिए कि हमारे पास नई गाड़ी, उसके बाद में तो वो गाड़ी हो ही पुरानी जानी है। ये तो है नहीं कि आप 4-5 महीने बाद में दोबारा गाड़ी ले होगे, गाड़ी तो आपको वही रखनी है 8-10 साल कम से कम, मान के चलो 7 साल तो कहीं नहीं गए, 6-7 साल। अब जिनके पास पैसा बहुत है वो अलग बात है, बाकी 6-7 साल गाड़ी चेंज नहीं होती है। तो इस चक्कर में जो है गाड़ी वही रहनी है, चाहे आप आज नहीं रख लो 2 दिन बाद में रख लो, आप क्यों इतना नुकसान करो। और वही गाड़ी अगर हम 6 महीने बाद में देखें तो उसके प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। प्लस एक चीज़ और है कि जब नई गाड़ी आती है हमारी तब उसके अंदर काफ़ी सारी कमियाँ वगैरह होती है। आप देखोगे जैसे मेरे को याद है आज मैं नेक्सॉन ईवी चला रहा हूँ, ये नेक्सॉन और जो जब नेक्सॉन 2017-18 में लॉन्च हुई थी, या पेट्रोल जब मैं हम कल एक पेट्रोल गाड़ी बुक करके आए नेक्सॉन की, उसमें और जो 16-17 में एक नेक्सॉन लॉन्च हुई थी उस समय, उसके अंदर और इसके अंदर दिन रात का फ़र्क है। तो ये स्टार्टिंग के जो कस्टमर होते हैं ना उनको ये नुकसान हमेशा पहुँचता ही है कि उनकी गाड़ी में रिफाइनमेंट होते जाते हैं। आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो कभी भी ढंग का नहीं होता है। इवन महिंद्रा टाटा ये तो स्पेशली जाने जाते हैं कि जो टेस्टिंग है वो कस्टमर पे ही करते हैं, कस्टमर ही उनको फीडबैक देते हैं, उसके बेस पे वो धीरे धीरे सुधार अपना जो है करते जाते हैं, इतना क्विक नहीं है। जैसे टियागो आई थी, टियागो आप स्टार्टिंग में 2016 में मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी, उस टियागो में जो आज की टियागो है उसमें दिन रात का फ़र्क है। तो ये चीज़ें होती है। तो इंस्टेंट गाड़ी नए लेने के बजाय कम से कम आप जब भी कोई नई गाड़ी आए आपको उसकी प्लस माइनस सब एटलीस्ट हमें पता तो हो जाता है कि ये चीज़ इस गाड़ी में कमियां हैं। नई गाड़ी ले आते हैं पहली बात तो प्री लॉन्च भी बुक कर देते हैं, या फिर नहीं तो नई गाड़ी ले आते हैं प्री लॉन्च, चलो प्री लॉन्च पे बुक नहीं की, तुरंत लॉन्च होते ही हम गाड़ी जो है ले आए। अब गाड़ी ले आते हैं उसके बारे में हमें पता चलती है यार ये गाड़ी तो हमारी रिक्वायरमेंट ही फिल नहीं कर रही है, या फिर इसमें तो ये कमी है। तो 6 महीने वेट कर लो कम से कम, हमेशा नई गाड़ी जब लॉन्च हो रही है अगर आपके पास आपको एक लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है तो कम से कम 6 महीने किसी गाड़ी के लिए वेट करो। एक तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ऑफर मिलेंगे, ज़बरदस्ती की एसेसरीज नहीं चिपकी जाएगी। जनरली क्या होता है गाड़ी वाले इंश्योरेंस बोला भैया नई गाड़ी आई है आपको लेना ही हमसे पड़ेगा शोरूम वाले, और इंश्योरेंस में इनमें ज़बरदस्ती जो है अच्छा खासा जो है बंदों को लूट लेते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है एक इसके अंदर जो है, जैसे यूट्यूबर वगैरह को देखो कभी भी गाड़ी नहीं देख लेनी चाहिए कि भाई इस यूट्यूबर ने बोल दिया हम गाड़ी ले रहे, गाड़ी हमेशा टेस्ट ड्राइव करो, रिक्वायरमेंट समझो अपनी, अपना बजट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया अपना डिसाइड करो कि मेरा ये क्राइटेरिया है, ये बजट है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में वो गाड़ी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छे से टेस्ट ड्राइव करके आओ, 2-3 शोरूम पर जाके टेस्ट ड्राइव करके आओ, तब जाके जो है आप हमेशा गाड़ी लो। ऐसे नहीं कि भाई इस भाई ने बोल दिया मैं गाड़ी ले ली। हाँ जो ओनरशिप रिव्यू होते हैं वो ओनरशिप रिव्यू बहुत सही होते हैं, उनमें भी कुछ पेड़ होते हैं बट ज़्यादातर ओनरशिप रिव्यू अच्छे होते हैं। बट जो नई गाड़ियाँ जो लॉन्च होती है उस पर जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं वो अपना उनका काम है। मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप किसी के कहने पर गाड़ी लो, गाड़ी भाई ये तो है नहीं गाड़ी घर, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर आप जो है तुरंत ले लो, आराम से सोच समझ के लो। कभी भी नई गाड़ी जो है आए उसका वेट करो,
और वेटिंग पीरियड वाली जो गाड़ी हो उसको, वेटिंग पीरियड वैसे भी हम ही क्रिएट करते हैं ज़बरदस्ती का ओवर हाइप बना के, अदरवाइज वेटिंग पीरियड तो एक महीने तक का ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है, इससे ज़्यादा वेटिंग पीरियड है मतलब वो गाड़ी ओवर हाइप है। जैसे मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ जिमनी का ही आपको, पहले स्टार्टिंग में कितनी वेटिंग पीरियड लगाई बोलो भाई, एक साल दो साल तक गाड़ियाँ आएगी नहीं, ये देख लो गाड़ियाँ दौड़ रही है, 2000 भी नहीं बिक्री मैंने कि आज एक साल हो गया, इतना डिस्काउंट दे दिया है। स्टार्टिंग में 15 लाख ऑन रोड आ रही थी, अब 11-12 लाख रुपए ऑन रोड में गाड़ी आ रही है और 2000 गाड़ी फिर भी नहीं बिक्री, कहाँ गए वो वेटिंग पीरियड, कहाँ गए वो बुकिंग वाले। तो ये सारा जो है ओवर हाइप बनाया जाता है, इसके बेस पे जो बंदे ले चुके होते हैं इंस्टेंटली उनको जो है नुकसान हो जाता है। तो ये मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है भाई, सीधा सा गाड़ी को सोच समझ के लो, किसी के कहने पे मतलब यूट्यूबर के कहने पे स्पेशली मतलब, उनकी वो जॉब है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जाता है या फिर उनसे वीडियो बनाई जाती है जो भी कैसे भी करके। और दूसरा गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके, अच्छे से टेस्ट ड्राइव करो, बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी को मत लो, और ज़बरदस्ती की गाड़ियों में एसेसरीज वगैरह जो है मतलब किसी भी शोरूम पे चार जगह टेस्ट ड्राइव लो, बेस्ट कोटेशन लो, उसके बेस पे ही हमें गाड़ी लेनी चाहिए। एक दिन का काम नहीं है, ज़बरदस्ती 2-3 लाख रुपए का हम नुकसान करवाए आते हैं। तो ये था एक वीडियो, होप मेरे जो कहने का मतलब था वो आपको समझ में आया हो, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, बताना मुझे मेरा ये जो मतलब मेरी जो सोच थी ये आपको कैसे लगी, क्या आप भी यही सोचते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।